नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। जब कोई एक अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो फिर और जो दबे कुचले लोग होते हैं उनमें भी पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाती है, वो भी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। तब पता चलता है कि वाकई में जमीनी हकीकत क्या है। यही हुआ बंगाल में। जैसे ही ईडी के अधिकारी शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने पहुंचे तो लोगों में हिम्मत आई, और जब से ईडी पर हमला कर शाहजहां भागा है तब से लोग उसके खिलाफ अपने घरों से निकलकर पुलिस के पास पहुंचने लगे हैं। ये लोग जैसे ही बाहर आए पता चला कि बंगाल में हिंदू महिलाओं की क्या हालत है, कैसे मानवता को भूलकर हर वो अमानवीय कृत्य किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए था। और जब संदेश खाली की महिलाओं की हिम्मत को देख हावड़ा की महिलाएं भी अब सड़कों पर उतरी हैं। ये सड़कों पर उतरी हैं शेख खलील अहमद के खिलाफ। इस पर आरोप है कि ये यहाँ गरीब लोगों की जमीनों को हड़पता है। इसके खिलाफ हावड़ा की महिलाएं झाड़ू और लाठियों के साथ सड़कों पर निकली हैं। दरअसल मामला हावड़ा के पंचला कस्बे का है, जहां प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि यहां का जो सबसे बड़ा तालाब है खलील उस पर कब्जा करने की फिराक में है। ये तालाब 360 बीघा में फैला है जिसमें रेत भरने का काम किया जा रहा है। तालाब को पूरी तरह से पाटने की साजिश रची जा रही है, और ये जो शेख खलील है ये ममता दीदी की पार्टी का ही नेता है, और इस पर गरीब किसानों की छोटे किसानों की जमीनों पर कब्जा करने के आरोप हैं। ये लोगों को डर दिखाकर बहुत ही कम दामों में उनकी जमीनों को खरीद लेता है और उन पर कब्जा कर लेता है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ भी पुलिस का सिस्टम बिल्कुल संदेश खाली की तरह ही काम करता है, वो भी गरीबों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देता। टीएमसी के गुंडों ने जीना मुहाल कर दिया। हावड़ा से ये जो मामला सामने आया है इसको लेकर एक समाचार चैनल की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ के लोग खलील अहमद की गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं। अगर ये लोग खलील के खिलाफ बोलते हैं उसके गुंडे इन लोगों पर हमला कर देते हैं। अभी हाल ही में 18 फरवरी को इन गुंडों ने लोगों पर हमला किया था। यहाँ भी हालात ऐसे ही हैं जैसे संदेश खाली में है। यहाँ भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। हाँ, लेकिन ममता दीदी के इशारे पर पुलिस काम जरूर करती है, क्योंकि जैसे ही महिलाओं ने प्रदर्शन किया तो दीदी ने यहाँ पुलिस की तैनाती कर दी, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई। एक तरफ ममता दीदी ने फोर्स लगाई और दूसरी तरफ यहाँ के विधायक ने इसे बीजेपी की साजिश करार दे दिया। टीएमसी के नेता यही आरोप संदेश खाली में भी लगा रहे हैं, और यही आरोप लगाया जा रहा है यहाँ हावड़ा में भी। संदेश खाली के बाद हावड़ा से जो खबर आई है वो काफी नहीं है कि बंगाल किस रास्ते पर जा रहा है ये दिखाने के लिए। क्या ये बंगाल के मुसलमानों के आतंक को नहीं दिखाता? क्या ये नहीं दिखाता कि दीदी के बंगाल में सत्ता की मलाई चाटने के लिए किस हद तक मुसलमानों को हिंदुओं का शोषण करने के लिए खुली छूट दे दी गई? बंगाल इस वक्त बेहद भयावह हालत में है, और केंद्रीय शासन को जल्द से जल्द यहाँ के हालातों का जायजा लेना होगा, क्योंकि संदेश खाली से आने के बाद NCW के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने जो कुछ कहा है वो आपको भी सुनना चाहिए, और साथ ही बताइएगा कि इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है। नमस्कार। क्योंकि मुझको देना है एक कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं। महिला मुख्यमंत्री है, पुलिस मंत्री महिला है, होम मिनिस्टर महिला है, वो खुद खड़ी होकर कह रही है कि ऐसा कुछ घटना घटा ही नहीं है, कोई एफआईआर तक नहीं हुआ। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एक महिला के नाते अगर वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि क्या हो रहा है तभी दिखाई देगी। एज चीफ मिनिस्टर जाएंगी और अपना शासन बचाना चाहेंगी तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो मेन अक्यूज्ड है वो उनका डिमांड है, जो वहाँ की लोकल महिला है वो अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है पुलिस, और पुलिस का कहना है कि उनके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कंप्लेंट की है उसकी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। उनका कहना है कि जब तक महिलाएं उसका नाम नहीं लिख के देंगी, वो ढूंढ रहे हैं उसको, क्योंकि ईडी के एक ने जो कहा था, लेकिन हर महिला ने उसी का नाम लिया है, बार बार लिया है। मुझे आशा है कि गवर्नर साहब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उस पर, और डायरेक्टली हर विक्टिम के साथ वो बात कर रहे हैं बार बार, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसका हल तो निकलेगा। अगर भारत में बात करें तो महिलाएं आप हर जगह पहुंचती है मैम, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, लगातार आप इस महिलाओं के साथ खड़ी रहती है। लेकिन जो बंगाल में जो हालात है दिन ब दिन, रात पे रात वो लोग सो नहीं पा रही है, जो कंप्लेंट आपके पास मिला है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बंगाल में ना बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे
इनफैक्ट स्कूल्स में भी ये कहा जा रहा है, मैंने एक बच्ची जो 12वीं में वहां पढ़ती है उसने कहा स्कूल में आके हमें कहा जाता है कि टीएमसी के वर्कर बनो, यहाँ सिर्फ टीएमसी करो यही कहा जाता है और जो नहीं करता उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और यही नहीं, उन महिलाओं में से कईयों ने कहा कि हम टीएमसी करता था, ये शब्द मैंने यही सीखा है, टीएमसी करता था लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। मतलब वो महिलाएं जो अपनी जमीन ना दें तो उनको ऑफिस में बुलाकर उनके मोलेस्ट करें, उनको बलात्कार करें, ये यहीं पे मैंने देखा है सिर्फ। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही है कि ये जो महिलाएं बोल रही है ये बाहर से लाके वहाँ पे पॉलिटिकल पर्सन, तो एक बार उनके चेक कर लेना, वहाँ पे उनके पेपर वर्क चेक करें, वो फ्री है ना, चेक करें ना, उनकी सरकार है, वो एक बार चेक तो करें, जाए तो, सरकार उनकी है, उनके अधिकारी वहाँ पे, लेकिन उनको कोई मिल ही नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर को कौन रोक रहा है, वो क्यों नहीं जा रही, वो देखें जाकर, चेक करें। तो क्या लगता है किस तरह से इसको हालात को ठीक हो सकता है मैम? देखिए तो हम अपनी बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ हालात तो शासन ने ही करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, सरकार ने करना है, और सरकार अगर नहीं करेगी तो फिर हम प्रेसिडेंट रूल ही चाहेंगे कि सरकार नहीं कर रही है। थैंक यू।